नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, आपके समक्ष ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। विषयवार पद सृजन, सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस व इतिहास में रिक्तियां। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 1.78 लाख विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती की जानी है। कैबिनेट की मंगलवार को मुहर लगने के बाद विषयवार रिक्तियां भी सामने आ गई हैं। पदों का विवरण सामने है, तो किस पद में, किस विषय में कितने पद हैं, विषयवार आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्तियां आ गई हैं। कक्षा 11 से 12 में उच्चतर माध्यमिक के लिए विज्ञान संकाय में कुल सृजित पद देख सकते हैं 15,890 पद हैं। जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं 5,421, रसायन विज्ञान में 4,799, वहीं आप देख सकते हैं गणित में 2,647, तो भौतिकी में 3,022 हैं। मनोविज्ञान में समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, दर्शनशास्त्र, योग एवं शारीरिक शिक्षा में देखिए, वैसे ही अर्थशास्त्र में इंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, बंगला, मैथिली, मगधी, पाली, कुल सृजित पोस्ट आपको सामने यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार से कला संकाय में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कला संकाय का भी आप देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कला संकाय के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वाणिज्य का देखिए, और इधर देखिए भाषा का, कंप्यूटर संकाय, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू, फारसी, अरबी। कक्षा 9 और 10 के लिए विषयवार पद सृजित दे सकते हैं, हिंदी के लिए दे सकते हैं, अंग्रेजी के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, और इधर दे सकते हैं दोस्तों अलग से। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखिए वाणिज्य के लिए वाणिज्य संकाय में कुल 2,916 पद सृजित हैं। इनमें सर्वाधिक पद बिजनेस स्टडी में सृजित किए गए हैं। विषयवार ब्यौरा इस प्रकार है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी आप देख सकते हैं आपके समक्ष है। और अगर हम बात करें यहाँ पे भाषा एवं अन्य संकाय में कुल 1964 पद का सृजन किया गया है। विषयवार ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है, कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू, फारसी, अरबी, एनआरबी देख सकते हैं, संस्कृत, प्राकृति, भोजपुर, तो ये तमाम वो विषय हैं जिनका यहाँ पे ब्यौरा दे दिया गया है। कक्षा 9 और 10 के लिए विषयवार पद दे सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, द्वितीय भारतीय भाषा, द्वितीय भारतीय भाषा, पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं बंगला में, मैथिली में, मगधी में, पाली में, कुल सी पोस्ट आपको यहाँ पे समक्ष दिया गया है दे सकते हैं, तो पूरा का पूरा हर विषय के लिए ब्यौरा दे दिया गया है, तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों के समक्ष है यहाँ पे। भाषा एवं अन्य संकाय में देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू, फारसी, अरबी, एनआरबी, तमाम वो विषय हैं आप देख लीजिए। वाणिज्य के लिए कला संकाय में तो ये 11 से 12 के लिए है, और ये तमाम ब्यौरा यहाँ पे देखिए दे दिया गया है आप सबके समक्ष, यहाँ पे वीडियो दिखाई दे रही है, और इस प्रकार से पूरा ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक विषय का यहाँ पे जानकारी दे दी गई है, किस विषय में कितने पद जो है शिक्षकों के खाली हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आप इस तरीके से अगर आंकड़ा हमें प्रस्तुत कर देते हैं तो शिक्षकों को भी इसमें फायदा रहेगा, जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें भी फायदा रहेगा कि भाई उन्हें पता लग जाएगा किस विषय में कितने पद खाली हैं, जिससे कि जो आवेदन है जो भी जिस विषय में अपना देख के आवेदन डाल पड़े तैयारी अच्छी कर सके उस विषय की। टोटल योग भी दिया गया है पदों का उस विषय के लिए, ठीक है, देख सकते हैं कि कुल पद यहाँ पे लास्ट में जोड़ा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 33,186 टोटल अलग अलग विषयों का यहाँ पर आंकड़ा दे दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।